तो दोस्तों ये है पोको X4 Pro 5G का बैटरी चार्जिंग टेस्ट। 5000 mAh बैटरी है फोन में, 67W का चार्जर आपको मिलता है, इन द बॉक्स टाइमर है तैयार, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैंने चार्जर यहां पर कनेक्ट कर दिया है और चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1 गो। तो दोस्तों यहाँ पर 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे जल्दी से बैटरी स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। तो अभी इस फ़ोन में 3% चार्जिंग हो गई है बैटरी की, 3% चार्ज कंप्लीट हो गया है। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं अब बैटरी चार्ज स्टेटस। तो गाइस 10 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी एग्जैक्टली 10% चार्ज है। तो यहाँ पे 10 मिनट बाद 10% चार्ज हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम 30 मिनट्स के बाद चार्जिंग चेक करेंगे। सो गाइस 30 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं एंड इफ वी चेक द बैटरी चार्जिंग स्टेटस देन 54% पर आ गई है बैटरी। सो स्पीड अच्छी चल रही है। यहाँ पे अब हम देखते हैं 45 मिनट्स के बाद कितना चार्ज होगा। तो गाइस 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 82% चार्ज हो चुका है ये फोन, विच इज़ नाइस। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 60 मिनट्स के बाद यानी कि 1 आवर के बाद कितना चार्ज होता है ये फोन। तो गाइज 1 घंटे के बाद 99% चार्ज हो गया है, यानी कि आई थिंक 1 मिनट और लगेगा इस फोन को 100% चार्ज होने में, या फिर 2 मिनट लगेगा, कितना टाइम लगता है लेट्स सी दैट। ओके सो 1 hour 1 minute 23 seconds यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं एंड 100% चार्ज हो चुका है पोको X4 Pro 5G। तो दोस्तों ये था बैटरी चार्जिंग टेस्ट पोको X4 Pro 5G का। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस फ़ोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर लाइव है, उसका एंड स्क्रीन इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड स्टे सेफ।